Assalamualaikum. This is Stanley back with some more questions for analytical reasoning. तो अच्छा इसके अंदर जब हम थे तकरीबन हम चल रहे थे 123 पेज नंबर 19 पे 123 पे चल रहे थे. अब उसी पे 125 है. वो कहते हैं कि एक बस है उसके रूट्स जो हैं वो इस तरह दिए हुए हैं. और रूट्स का मैं ड्राइव भी बताता हूँ कि वो कहते हैं कि 6 रूट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 रूट्स हैं. अच्छा इसमें तीसरे नंबर पर फी पी जो है वो फिक्स है, ठीक है. और एम जो है वो कहता है कि 6वें नंबर पर फिक्स है. हमारे पास दो रिलेशन उसने बताए हैं उसके अंदर कि ओ जो है वो हमेशा क्यू से पहले आएगा. ओ विल ऑलवेज कम बिफोर इमीडिएटली टू बिफोर क्यू. और एन जो है हमेशा एल से पहले आएगा. एन और एल का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आएगा, ठीक है. ये इकट्ठे की जहाँ भी जाएंगे इकट्ठे जाएंगे. अब पहला क्वेश्चन कहते हैं कि अगर एन की फोर्थ पोजिशन है, एन की क्या है फोर्थ पोजिशन, तो आपने बताना है कि P से पहले कौन आएगा. तो एन के फॉरन बाद कौन आना चाहिए, एल आना चाहिए. तो क्यू जो है पीछे दो पोजिशन बचे हैं तो क्यू इधर आ जाएगा और ओ इधर आ जाएगा क्योंकि ओ जो है हमेशा क्यू से पहले आएगा. तो पी से पहले कौन आ गया, क्यू आ गया. दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि अगर जो है फिफ्थ पोजिशन पे क्यू रख दिया जाए तो फिर सॉरी दूसरे में कहते हैं कि अगर सेकेंड पोजिशन पे एल रख दिया जाए, सेकेंड पे एल रख दिया है तो फिर फर्स्ट पे कौन होगा, एन होगा और यहाँ पे क्यू और यहाँ पर ओ होगा, ठीक है. पी ओ क्यू, क्यू से पहले ओ आना. तो अब वो पूछते हैं फिफ्थ पोजिशन पे कौन है, तो सेकेंड का आंसर आ जाता है क्यू, ठीक है. उसके बाद जो थर्ड है वो कहते हैं कि इन केस ऑफ पैसेंजर गेट्स ऑन द बस, अगर पैसेंजर जो है वो बस पे चढ़ता है, कहता है अगर पैसेंजर जो है बस पे चढ़ा और दो स्टॉप बाद वो दो स्टॉप एक स्टॉप क्रॉस करके नेक्स्ट स्टॉप पे उतर गया तो वो था पी. तो आपने बताना है कि वो जो है कौन सी कंडीशन जो है वो स्टार्ट हुई. तो कहता है ओ से स्टार्ट हुआ फिर एक स्टेप क्रॉस करके वो पी पे उतर गया. तो ओ के फौरन बाद कौन आना चाहिए था, क्यू आना चाहिए था. अब वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है पी से, वो कहते हैं कि एक पॉइंट ओ से स्टार्ट हुआ और एक स्टेप छोड़ के वो पी पे चला गया. एक इसका मतलब है कि ओ यहाँ पे आ सकता है क्योंकि उसके एक स्टेप छोड़ने के बाद पी आता है. तो इसका मतलब पहली कंडीशन फुलफिल होती है कि ओ इज एट द स्टॉप वन, ठीक है. उसके बाद वर्बल रीजनिंग आ जाती है. इसको स्किप आउट करते 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 हम चलते हैं इसी पेज पे, पेज नंबर 20 पे. नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए मैथमेटिकल के, वो हल करते हैं. उन क्वेश्चन के अंदर वो कहते हैं कि आस्क के 2 का स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर माइनस 2 प्लस 2 की पावर माइनस 2 प्लस 1 ओवर 2 की पावर माइनस 2 प्लस 1 ओवर 2 की पावर माइनस 2. तो 2 की पावर 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 प्लस 1 ओवर 4 प्लस, अब ये देखो 2 की पावर माइनस 2 है तो माइनस 2 अगर मैं देख दूं 1 ओवर 2 की पावर 2 यानी कि अगर ये इसको मैं इस तरह नीचे ले आऊं तो ये पावर इसकी नेगेटिव साइन चेंज हो जाता है. अगर नीचे से ऊपर लेके आते तो नेगेटिव हो जाती है, ऊपर से नीचे ला रहा हूं तो पॉजिटिव आ गया. अब इधर ये इसका इसको ऊपर ले जाओ ये आ जाएगा 2 की पावर 2, ये माइनस 2 का ऊपर जाके प्लस 2 हो गया. 4 प्लस 1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 4 प्लस 4 एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा. 4 वाला ये 4 आ जाएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 4 4 का 16 क्योंकि इसके नीचे कुछ था, इसके नीचे 1 था, इसके नीचे भी 1 था. तो 1 4 पे गया तो 4 आ गया, यानी कि 1 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 1 के तो 4 आ गया. अब इस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया. 16 प्लस 1 प्लस 1 प्लस यहां भी क्या आना था 16, 16 और 32 और 32 33 और 34, तो 34 डिवाइड बाय 4 आ गया. ये अगर 2 के टेबल पे जाएगा तो 17 डिवाइड बाय 2, ठीक है. तो 17 डिवाइड बाय 2 आपका जो है वो राइट आंसर होगा, यानी कि सी ऑप्शन. उसके बाद जो अगला कहता है कार वाला, वो हमने पहले से कर लिया, वो हो चुका है, ठीक है. और उससे अगर ये ट्रायंगल वाला मेरे से नहीं हुआ था, ठीक है, यानी कि पेज नंबर 20 के ऊपर जो लास्ट पे है वो मेरे से नहीं हुआ था, अगर किसी और ने किया तो मुझे बता दे, मैंने उसका रट्टा मार लिया 70. आगे कहता है 56% ऑफ y इज 56% ऑफ y इज 182, व्हाट इज y, 56% ऑफ y इज 158, ठीक है. 182 आप परसेंटेज के लिए 50% y इज इक्वल टू 182, 50% के 100 आ जाएगा, 50 / 100 इक्वल टू 182, 100 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 182 50 y, तो y इज इक्वल टू 182 डिवाइड बाय 550, 0 से कट गया, 1820 डिवाइड बाय 5 करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा
डिवाइड बाय 5 किया तो 364 आंसर आएगा आपका, ठीक है, जो कि आपकी ऑप्शन नंबर जो है बी बनती है, यहाँ सी लगा हुआ है, ठीक है, तो 364 आपका जो है वो राइट आंसर है। 50% कहा, 56 का है, सॉरी 56% कहा हुआ है, ठीक है, 56% है, ठीक है, तो 56% जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, 56% जिसकी वजह से आंसर जो है वो 325 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो ये हल हो गया, ठीक है, 325 आंसर आ गया। उसके बाद जो है आगे चलेंगे, नेक्स्ट पार्ट के अंदर वो कहता है कि इज इट क्लियर और नॉट, व्हाट इज द फॉलोइंग टू रेशियो इज ग्रेटर देन, दोनों में, अच्छा वो कहता है इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट एस आर 5, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट एक सेट में 5 है तो आपने बताना है कि सुपर सेट पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, अगर इसमें 5 है तो पावर सेट में कितने होंगे, ठीक है, पावर सेट जो होता है वो होता है 2n, अगर हमने पावर सेट में बताना तो होता है 2n, तो n इक्वल टू क्या है 5, तो 2 करोगे तो आंसर आ जाएगा 32, तो आंसर ये 32 एलिमेंट्स में वो उसके होंगे। अब वो कहते हैं कौन सी रेशो बड़ी है, कैलकुलेटर आपके पास है, 17:18 निकाल के देख लो, ठीक है, और 11:10 निकालो, 10:11 निकाल के देख लो, तो जो भी आंसर बड़ा होगा वो बड़ी रेशो है, सिंपल यूज है कैलकुलेटर, ठीक है। आगे कहते हैं एक्स माइनस 2 है, अगर एक्स माइनस 2 के बराबर है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, एफ इज इक्वल टू एक्स, तो आगे ये सॉल्व नहीं करना था हमने, आगे वो कहते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, जबकि x की वैल्यू को कितनी कहता है, x इज इक्वल टू माइनस 2 है, माइनस 2 का लोग स्केयर, जब माइनस की वैल्यू का स्केयर लेते हो तो वो प्लस 4 आंसर प्लस में आता है, प्लस 4 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4, माइनस 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 2 टू द 4 माइनस 4 प्लस 4, नमाज रूल के मुताबिक पहले एडिशन होगा फिर सब्ट्रैक्शन होगा, 4 प्लस 4 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक्स स्केयर, सॉरी 2 एक्स स्केयर माइनस 2 का स्केयर लिया तो 4 आ गया, माइनस 2 इंटू माइनस 2 लिया माइनस 2 टू द 4 माइनस 4 आ गया, ये प्लस 4 आ गया, साइन सॉरी यहाँ पे प्लस का आना माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है 2 टू द 4 आ गया, तो 8 प्लस 4 इक्वल टू 12 आ गया, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है क्योंकि जुमे का टाइम हो रहा है, ये ठीक हो गया। आगे आगे है लॉन्ग काइंड ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन है ये करवा के बाकी जो मैं बाद में करवाऊंगा। वो कहता है कि आपके पास ये 83 है, 21 पे 83 वाला है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल प्लस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर जो है उसकी साइडें होती हैं, रेक्टेंगल की चारों साइडों का अगर लेंथ ली जाए यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक अगर ये सारी लेंथ ली जाए तो ये क्या बनता है, पेरीमीटर कहते हैं इसको, ठीक है। लाइटिंग का कुछ इशू आ रहा है इसके अंदर अभी भी, होप सो इट विल बी क्लियर नाउ, पिछला वाला क्वेश्चन हो गया बस आवाज तो मेरी आ रही है ना, तो आप उसको मैच अप कर सकते हो, सर्कमफेरेंस प्लस पेरीमीटर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर का जब सम किया तो आंसर आपके पास आता है 132 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर। वो कहता है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 112 है एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 8, जबकि उसकी एक साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर है, एक साइड कितनी है 8 सेंटीमीटर है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल हमसे पूछा गया है, एरिया ऑफ सर्कल हमसे क्या किया गया पूछा गया है। अब हमें पता है पेरीमीटर सम उसने 132 किया है, एरिया हमारे पास है ये भी आ गई, अब हम इस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होती है, एरिया हमारे पास है 112, लेंथ हमने फाइंड करनी है, विड्थ 8 सेंटीमीटर दी गई है,
एल इज इक्वल टू 112 डिवाइड बाय 8, ठीक है, एल इज इक्वल टू 112 डिवाइड बाय 8, 112 डिवाइड बाय 8 किया तो 14 आ गया, तो इसका मतलब है कि लेंथ कितनी है, 14 आ गई। अब अगर इसको एक्सप्लेन करें ड्रामेटिकली तो ये आएगा, ये 14 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इनको जब आप जमा कर लोगे तो 14 ज्यादा 28 और 8 36 और 8 सम अप होके बना लेंगे 44, ये सम आ जाएगा 44। तो ये पैरामीटर था ना, चारों साइड का सम क्या था, पैरामीटर, ये पैरामीटर था। तो इसका मतलब ये है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल प्लस पैरामीटर की जगह 44 लगा देंगे, 132 उधर था, तो 132 माइनस 44 किया तो जवाब जो है वो आया 132 माइनस 44 किया तो 88 आ गया, 88 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है वो कितना है, 88 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इस 88 सेंटीमीटर से हम आगे चलते हैं, 88 सेंटीमीटर क्या आ गया उसका, सॉरी मैं यहाँ पर वैसे आंसर लिख देता हूँ, हाल तो मैंने करवा दी, 88 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस 88 सेंटीमीटर। हमें क्या ढूंढना है, हमें उसका फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया के लिए एरिया का फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो हमें आर स्क्वायर चाहिए, पहले रेडियस चाहिए कितना चाहिए, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है, सर्कमफेरेंस की जगह लिखोगे 88, ठीक है, 2 पाई की जगह लिखोगे 22 ओवर 7 या 3.14 और आर जो है वो इधर वैसे लिख दोगे। अगर इसको सिंपलीफाई करोगे तो इट विल गो लाइक 88 मल्टीप्लाई बाय ये 44 हो जाएगा ना, 88 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय ये 22 मल्टीप्लाई बाय 2 44 88 पे जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा इक्वल टू आर आ जाएगा और ये आ जाएगा 14 इज इक्वल टू आर, यानी कि रेडियस कितना आ गया, 14 आ गया। कट कर लो ये, वैसे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा, रेडियस आ जाएगा 44। अब जो हमारे पास था दूसरी टाइम हमारे पास क्या थी, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब पाई जो है वो हमारे पास आ गया 22 ओवर 7, आर कितना है हमारे पास 14 का स्क्वायर, ठीक है, 22 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय 14 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर आएगा 196। जब इस सारी टर्म को हल करोगे आंसर आपका आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना आएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपकी ऑप्शन नंबर है, बनती है ए, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन करते हैं, वो कहता है कि इफ टू मेटालिक सिलेंडर्स ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर बोथ हैविंग सेम लेंथ, इसको मैं बता देता हूं, अगर दो सिलेंडर हैं 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के, दो सिलेंडर आपके पास आते हैं, आप पहले फॉर्मूला याद रखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो होता है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट सिलेंडर का, ठीक है, और जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है ये होता है 4, स्फीयर जो होता है 3D स्ट्रक्चर कहते हैं, सर्कल नहीं स्फीयर, 3D जैसे एक बॉल होती है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है। तो सिलेंडर 1 प्लस सिलेंडर 2, दो सिलेंडर को पिघलाया है और उनकी वजह से एक स्फीयर बना है, तो हम क्या करते हैं सिलेंडर 1 प्लस सिलेंडर 2 चाहिए, तो दोनों का क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों में हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच 1 प्लस पाई आर स्क्वायर एच 2। अब ये हाइट, इसकी हाइट 5 दी हुई है, इसकी हाइट 4 दी हुई है, तो 22 डिवाइड बाय 7 इंटू 2 का स्क्वायर 5, तो ये आ जाएगा जवाब 62.8 इस हिस्से का, सिलेंडर 1 प्लस सिलेंडर 2, सिलेंडर 2 का जो है वो आएगा 22 डिवाइड बाय 7, 2 का स्क्वायर, रेडियस भी दिया हुआ है, हाइट जो 2 जितनी है वो है 4, ठीक है, हाइट 2 कितनी है 4, और जब इसको जमा करोगे तो ये आ जाएगा 50.2, ये हल कर दोगे। अब इन दोनों रकमों को हमने क्या करना है, ऐड करना है, दो सिलेंडर क्योंकि हमने ऐड किया तो ये आ गया 113 वहां पे जो सेम दिए होते हैं, ठीक है, 113 आ गया इनका कंबाइंड वॉल्यूम। अब हमारे पास जो है वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम आ गया, हमने जो है अब इस फॉर्मूले में लगाना है, ठीक है, 113 इक्वल टू 4
ओवर 3 पाई आर क्यूब, इसमें लगाएंगे 113 आ गया क्योंकि टोटल वॉल्यूम दोनों पिघलेंगे, एक वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम स्फीयर का बन जाएगा 113 मल्टीप्लाई बाय 3 113 मल्टीप्लाई बाय आप इसको करोगे 21 से डिवाइड कर दोगे, 113 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइड कर दोगे 88 पे और इधर आ जाएगा आर का क्यूब, इसका आंसर आएगा 26.9 या 27 इक्वल टू आर का क्यूब। अब क्यूब खत्म करने के लिए आर क्यूब रूट 27 ले लोगे तो वो आंसर आपका आ जाएगा 3। ठीक है, तो 3 रेडियस जो है वो स्फीयर का होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन को कहते हैं इस पार्ट में अंदर से अगर y must score 40% marks to get in, ये हो जाएगा आगे वो कहते हैं कि passing marks जो है वो है 40%, 40% आ रहा passing marks, 40% आ रहा passing marks। अब उसने कहा कि उसने 20 नंबर लिए और 40 नंबरों से क्या हो गया, फेल हो गया, यानी कि 20 नंबर उसके थे 40 नंबरों से फेल हो गया, 20 जमा 40 इक्वल टू 60, तो टोटल नंबर कितने चाहिए थे 60 चाहिए थे, 20 लिए 40 नंबरों से रह गया फेल हो गया, इसका मतलब ये है कि 40% जो है वो बराबर है 60 के, तो 1% बराबर होगा 60 डिवाइड बाय 40 के और 100% टोटल मार्क्स उसने पूछे हुए हैं, टोटल मार्क्स इक्वल टू 100% होगा 60 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100, ये जीरो इससे कट गया, 6 10 का 60 डिवाइड बाय 4 तो ये आ गया, ये 600 डिवाइड बाय 4 किया तो ये आ गया 1, सॉरी इसका आंसर मैं बता देता हूं, ये आ गया 150 जो है वो टोटल मार्क्स थे, 60 40% उसका 60 नंबर बनते तो 60% पासिंग मार्क्स थे जबकि उसके कितने नंबर आए 20, यानी कि 40 नंबरों से वो रह गया। तो ये हमारा पेज नंबर 21 तक जो है वो अभी तक सारे खत्म हो गए, उसके बाद जो है वो दोबारा से इसी पेज पे जो कमेटी वाला जो वो अहमद बिलाल और 3-3 कमेटियों वाले क्वेश्चन है वो दोबारा आ गए और इसके पास जो इसके बाद जो है वो इसी पेज पे लास्ट क्वेश्चन है वो हम करेंगे बाद में और बाकी इसके बाद अगली जो स्टोरी है। चलो बस ये इसका इस पेज पे जो लास्ट है वो देख लेते हैं, अगर वो कहता है ए बड़ा भी है ए जो है बी से बी छोटा है, ए अगर बी से बड़ा है और बी एक कंडीशन है ए बी से बड़ा और दूसरी कंडीशन बी ए से बड़ा है और तीसरी कंडीशन क्या होगी ए इज इक्वल टू बी होगा, ये ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी होती है मैथमेटिक्स की 7th या 8th क्लास में बताई जाती है, अगर एक बार एक बड़ी वैल्यू दूसरी बड़ी वैल्यू तो दोनों बराबर है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी। अगर वो कहता है ए बी से बड़ा और बी सी से बड़ा है, अगर ए जो है वो बी से बड़ा है और बी जो है वो सी से बड़ा है और कहता है तो देन डी ए से बड़ा है और डी जो है वो ए से बड़ा है, देन आपने बताना है कि कौन किससे बड़ा है, ए अगर आप 4 कर लो ठीक है तो बी हो जाएगा 3 क्योंकि ए उससे बड़ा है, अब बी बड़ा है सी से तो बी 3 है तो सी कितना हो जाएगा 2 और डी कहता है बड़ा है ए से, डी ए से भी बड़ा, तो ए अगर 4 था तो डी हो जाएगा 5 बड़ा है 4 से, ठीक है। तो अब उसमें वो कहता है कि इसका मतलब ये है पहली कंडीशन में कहता है कि बी छोटा है डी से, बी छोटा है डी से, बी कितना था 3 डी कितना था 5, तो 3 जारी से बाद छोटा है 5 से, तो ये पहली ऑप्शन ही ठीक हो गई। आगे जो वो स्टोरी आती है वो हम बाद में करेंगे।